अंग्रेजों ने इस देश में बहुत सारे कानून बनाए थे डिवाइड एंड रूल करने के लिए, लूटने और बांटने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत से कानून बनाए इस देश को डिवाइड एंड रूल करने के लिए और लूटने और बांटने के लिए। 1991 में पहला कानून बनाया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और हिंदू जैन बौद्ध सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया। 1992 में दूसरा कानून बनाया, इस देश को हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में बांट दिया। हिंदू ला हिंदू जैन बौद्ध सिख पे लागू होता है, लेकिन हिंदू को मेजॉरिटी बना दिया, सिख जैन बौद्ध को माइनॉरिटी बना दिया। ये इसकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स थी। और तीसरा जो सबसे घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने 1995 में, जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इसकी अगली सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्योंकि इन्हें हाई कोर्ट से ट्रांसफर पिटीशन फाइल कर दिया है कि मैटर अब हाई कोर्ट में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए। वक्फ बोर्ड के सारे मेंबर मुस्लिम होते हैं, उसमें एक एमएलए है वो भी मुस्लिम, एक एमपी है वो भी मुस्लिम, एक उसमें एडवोकेट वो भी मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर वो भी मुस्लिम, एक उसमें आईएएस ऑफिसर वो भी मुस्लिम, एक उसमें जो स्कॉलर वो भी मुस्लिम, एक मुतवल्ली वो भी मुस्लिम। और उसके पास इतनी पावर दिया हुआ है कि किसी भी जमीन पे जाके कह दे ये जमीन वक्फ की है, तो आप उसके ऑर्डर के खिलाफ, उसके नोटिस के खिलाफ नियर बाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा वक्फ ट्रिब्यूनल में। कहने का मतलब, अगर मेरठ में या मुजफ्फरनगर में किसी की ज़मीन पे वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की ज़मीन है, तो वो मेरठ की कोर्ट या मुजफ्फरनगर की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको जाना पड़ेगा लखनऊ, जो मेरठ और मुजफ्फरनगर से 700 किलोमीटर दूर है, और वहाँ जाके अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और सफाई किसके सामने देना है? उसी ट्रिब्यूनल के सामने, उसी बोर्ड के सामने जिसने कहा यह ज़मीन वक्फ की है। तो वक्फ बोर्ड चोर हो गया, वही वक्फ बोर्ड दरोगा बन गया, वही वक्फ बोर्ड जज बन गया, वही वकील बन चुका है। ऐसा कानून हिंदुओं के लिए नहीं है, ऐसा कानून जैन के लिए नहीं है, ऐसा कानून बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसा कानून यहूदियों के लिए नहीं है, ऐसा कानून पारसियों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, केवल और केवल एक कम्युनिटी के लिए कानून बनाया कांग्रेस की सरकार ने 1995 में, वो है मुस्लिम्स के लिए। और इस कानून में इतनी शक्तियां दे दिया है कि वक्फ बोर्ड को नोटिस इशू करने के पहले कोई जाँच पड़ताल भी नहीं करना, उसको जहां मन चाहे वहां वो नोटिस इशू कर दे। इसके चक्कर में ये वक्फ बोर्ड वसूली कर रहा है, लोगों को धमकाता है कि हम इसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे, लोगों से पैसा लेता है, गरीबों का धर्मांतरण करा रहा है। आदिवासी एरिया में जहां लोग कानून नियम को ज़्यादा नहीं जानते, वहां पे ये नोटिस देता है और कहता है कि भाई एक तरीका है, अगर आपको ज़मीन बचानी है तो इस्लाम कबूल कर लो, मुस्लिम बन जाओ। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के एरिया में, महाराष्ट्र के एरिया में, या और भी जहां पे पिछड़े लोग रहते हैं, गरीब रहते हैं, जिनको नियम कानून ज़्यादा नहीं पता, वहां पे ये कन्वर्जन का कारण भी बन गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये कानून ख़त्म होना चाहिए। घटिया कानून बनाना सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, और घटिया कानूनों के खिलाफ चुप रहना भी सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। मैं इस देश के सांसदों से निवेदन करता हूँ, विधायकों से निवेदन करता हूँ, इस घटिया कानून के खिलाफ बोलिए, 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ बोलिए, 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के खिलाफ बोलिए, और 1995 के वक्फ एक्ट के खिलाफ बोलिए। ये तीनों कानून कांग्रेस ने भारत में डिवाइड एंड रूल के लिए बनाया था, सत्ता के लिए बनाया था, मुस्लिम अपीजमेंट के लिए बनाया था। और जितनी दोषी कांग्रेस है इस कानून को बना के, उतने ही दोषी वो लोग हैं जो इस कानून पे मौन है, जो लोग इस कानून के खिलाफ चुप हैं, मैं उनको देशभक्त नहीं मानता। घटिया कानून बनाना देशद्रोह है, तो घटिया कानूनों पे चुप रहना भी देशद्रोह है, घटिया कानूनों के खिलाफ न बोलना भी देश से गद्दारी है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, इन तीनों कानूनों के खिलाफ बोलिए। इस देश में संविधान है, जो कानून होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। अगर वक्फ एक्ट जैसा कानून सबके लिए होता तो बात समझ में आती थी, लेकिन केवल मुस्लिम्स के लिए ऐसा कानून, बाकी किसी को ऐसा कानून नहीं। क्या हिंदू इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक है? क्या जैन इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन है? क्या बौद्ध इस देश के सेकंड क्लास सिटीजन है? क्या इस देश के जो पारसी हैं, यहूदी हैं, वो सेकंड क्लास सिटीजन है? ये सब बराबर है। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए, कानून सबके अलग के लिए कॉमन होना चाहिए। इस तरीके से मुस्लिम्स के लिए एक कानून अलग से, ये देश की एकता खंडता के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसलिए इस कानून को मैंने चैलेंज किया है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, इस कानून के खिलाफ बोलिए, सोशल मीडिया में बोलिए, पब्लिकली बोलिए, सड़क पे उतरिए, सांसदों का घेराव करिए, अपने विधायकों का घेराव करिए, क्योंकि ये समाधान सड़क संसद सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। आप अगर सांसद नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते हैं, तो कम से कम सड़क पे उतरिए, इस कानून, इन तीनों कानूनों के खिलाफ बोलिए। 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट और 1995 का वक्फ एक्ट, इन तीनों कानूनों को ख़त्म करने के खिलाफ आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।